नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे ब्लड इम्प्योर फॉर्म में हो जाता है। ये ब्लड की इम्प्योरिटी कॉज करने वाला एक मेन कॉज हमने जाना था, वो था इनकम्पेटिबल फूड या विरोधिक आहार। तो आज हम जानते हैं उस इनकम्पेटिबल फूड के बारे में। आज मार्केट में हजारों की तादाद में डाइजेस्टेंट, एपेटाइजर्स, एंटासिड्स मौजूद हैं। सारी की सारी गैस्ट्रिक ट्रबल्स कॉज होती है हमारी डिस्टर्ब लाइफस्टाइल के चलते, हमारी डिस्टर्ब फूड हैबिट्स के चलते, या यूं कहें कि हमारा फूड कॉम्बिनेशन गलत है या फूड का सिलेक्शन गलत है। तो ये सारी चीजें जो है वो कॉज करती हैं हमारे स्टमक के डिसऑर्डर्स को, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को, या शरीर में वेरियस इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स को। बेसिकली आयुर्वेदा की अप्रोच जो है वो होलिस्टिक काइंड ऑफ अप्रोच है। हम जैसे जैसे हमारे टैक्स से दूर गए हैं उतना ही हम बीमार पड़ते गए हैं। आयुर्वेदा की अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, प्रत्येक शरीर के लिए अलग अलग है, क्योंकि आयुर्वेद के सिद्धांत डिपेंड होते हैं वात, पित्त और कफ, इन त्रिदोष के आधार पर। तो इन त्रिदोष के आधार पर ही प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति भी अलग अलग हो जाती है, वो भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अग्नि भिन्न भिन्न होने के कारण, प्रकृति भिन्न भिन्न होने के कारण वेरियस फूड का उन इंडिविजुअल्स पर अलग अलग इफेक्ट आता है। इसलिए आयुर्वेद की अप्रोच बैलेंस डाइट की अप्रोच से कुछ ज्यादा ऊपर और कहीं अलग है। आयुर्वेद के सिद्धांत कहते हैं कि कुछ फूड सब्सटेंसेस आपस में विरोधी स्वभाव वाले होते हैं या इनकम्पेटिबल नेचर के होते हैं, जिनको एक साथ मिलाकर खाने से वेरियस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। विरोधी आहार का मतलब है ऐसे आहार जो कि शरीर के अंदर दोषों को उभार तो देते हैं लेकिन उनको बाहर नहीं निकाल पाते, या यूं कहें कि इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स या डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स कॉज करने वाले ये वैरोधिक आहार होते हैं या इनकम्पेटिबल फूड होते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं उन 10 इनकम्पेटिबल फूड स्टफ्स पर जो कि आपस में विरोधी होते हैं, जिन्हें आपस में भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस सीरीज में पहला आता है दूध के साथ अम्ल रस या खट्टे पदार्थों का सेवन करना। दूध के साथ अम्ल रस का सेवन करने से या खट्टे पदार्थों का सेवन करने से बॉडी में फर्मेंटेशन या इंडाइजेशन या फिर गैस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्टमक रिलेटेड डिसऑर्डर्स को ये कॉज करता है। इसलिए दूध के साथ किसी भी प्रकार का अम्ल रस जो है वो इनकम्पेटिबल होता है। नंबर 2, दूध के साथ फ्रूट्स को खाना, फॉर एग्जाम्पल दूध के साथ केला खाना, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन शरीर में टॉक्सिन्स को जन्म देता है, अग्निबाधे को कॉज करता है, वेरियस काइंड्स ऑफ एलर्जीज कॉज करता है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से दूर रहना चाहिए। नंबर 3, दूध के साथ में मूली यानी कि रेडिश का सेवन करना। दूध के साथ मूली का सेवन करना वेरियस काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स को जन्म देता है। नंबर 4, ठंडी तासीर वाले पदार्थों को या सब्सटेंसेस को गर्म तासीर वाले सब्सटेंसेस के साथ मिलाकर के खाना, जैसे कि दूध और दही को एक साथ मिलाकर के खाना। नंबर 5, शहद और घी बराबर क्वांटिटी में मिलाकर के खाना। एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इनकम्पेटिबल फूड का, जो कि शरीर के अंदर विषाक्तता या टॉक्सिन्स को कॉज करता है। नंबर 6, दूध या दही के साथ नींबू का सेवन करना, ये भी एक बड़ा एग्जांपल है इनकम्पेटिबल फूड का। नंबर 7, दूध और फिश को साथ साथ सेवन करना। नंबर 8, दूध के साथ बीन्स या दालों का सेवन करना। नंबर 9, दूध या दही के साथ में एग यानी कि अंडे को खाना। और नंबर 10, घी या चिकने सब्सटेंसेस को खाकर, चिकने फूड स्टफ्स को खाकर ऊपर ठंडे जल का सेवन करना या ठंडा पानी पीना। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनको आपस में सेवन करना शरीर में वेरियस डिसऑर्डर्स को कॉज करता है
ये टोटली इनकम्पैटिबल होते हैं, आपस में विरोधी होते हैं, विरोधी स्वभाव के होते हैं, इसलिए इनका सेवन शरीर के लिए घातक होता है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए।